हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आज हम पहले वीडियो में लोग पढ़ चुके हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्मिटी फील्ड विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन द रेडियस ऑफ पाथ क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट पैरामीटर निकाले थे। और हमने दिखाया था आपको कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसके परपेंडिकुलर एंटर करता है देन दिस फॉलोज सर्कुलर पाथ, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन इट्स फॉलोज सर्कुलर पाथ एंड द रेडियस ऑफ पाथ आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। फॉर्मूला करिए, टाइम पीरियड टी क्या था, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2πm/qb जो कि वेलासिटी से फ्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चार्ज पार्टिकल चाहे जिस वेलासिटी से एंटर करेगा, जैसे दो प्रोटॉन हो गए, दो अल्फा पार्टिकल हो गए, सेम पार्टिकल हैं, तो चाहे जिस वेलासिटी से एंटर करेंगे उनका टाइम पीरियड सेम रहेगा। अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, इफ वेलासिटी स्मॉलर देन पाथ क्या हो गया, स्मॉल हो जाएगा। इफ वेलासिटी क्या है, लार्ज रहेगी, पाथ हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या कंडीशन होगी हमारी, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन वी हैव फाइंड डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, टुडे वी विल डिस्कस व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद एंगल थीटा फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देयर आर टू पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद एंगल थीटा फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ध्यान दीजिए, थीटा क्या है, यहाँ थीटा रहेगा फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है समझ में। तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डायरेक्शन में एंटर करेगा तो उस कंडीशन पे उसका पाथ कैसा होगा देखना है। अगर पाथ निकलेगा तो क्या पाथ सर्कुलर है, अगर सर्कुलर है उसकी रेडियस क्या होगी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो सारे पैरामीटर को फाइंड करना है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद एंगल थीटा। फर्स्ट वी ड्रॉ फिगर, देन वील डिस्कस अबाउट डिफरेंट पैरामीटर अलोंग दिस। यहां पर हो गया चार्ज, सपोज दैट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन पे है, अलोंग एक्स एक्सिस। बोर्ड क्या, देखो ये बोर्ड के पैरेलल में, क्रॉस मीन्स क्या हो गया, बोर्ड के परपेंडिकुलर इनसाइड, डॉट मीन्स क्या हो गया, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटसाइड। ठीक है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई जो इस प्रकार से है। और चार्ज पार्टिकल सपोज दैट दिस इज क्या है ओरिजिन, यहाँ हो गया चार्ज पार्टिकल एंटर इन दिस मैग्नेटिक फील्ड विद एंगल थीटा फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है ना, देन व्हाट हैपन, देन दिस वेलोसिटी टू कंपोनेंट, देन दिस वेलोसिटी चार्ज की वेलोसिटी होगी, इट हैव टू कंपोनेंट। पहला क्या हो जाएगा, इधर हो गया v cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो गया v sin थीटा। ठीक है, समझना क्या हमको, यहाँ पे दिक्कत दो चीज है, यहाँ पे यह जानते हो व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स फॉलो सर्कुलर पाथ, पक्का पता है। देखिए, ड्यू टू दिस v sin थीटा, दिस v sin थीटा इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए क्या हो गया, इस v sin थीटा से ये क्या फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ। जैसे फील्ड वालों वाली इधर की ओर है, चार्ज पार्टिकल एंटर किया तिरछा, ऐसे तिरछा आ रहा है इसका जा रहा है, फील्ड हमारी इधर की ओर है, तिरछा जा रहा है इधर से, तब क्या हो गया, यहाँ दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है उससे क्या हो गया, उससे चार्ज पार्टिकल घूमेगा, कैसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ठीक है ना, अगर सर्कुलर पाथ घूमेगा तो इसका निकालना होगा, कितना रेडियस निकालना होगा, और इससे क्या होगा, जो हमारा बी पास थीटा है इससे आगे बढ़ेगा। हाँ, सपोज दैट इफ दिस चार्ज पार्टिकल है ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हाँ, इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली परपेंडिकुलर फ्रॉम द फील्ड, देन व्हाट हैपन, देन व्हाट हैपन इन दैट केस, क्या होता है, ये फील्ड मान लीजिए परपेंडिकुलर होती तो उस कंडीशन पर केवल दिस फॉलो सर्कुलर पाथ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा,
कि इसका मतलब हो गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के या किसी मैग्नेटिक फील्ड से वी वेलोसिटी से एंगल थीटा से एंटर करेगा तो यहाँ दो कंपोनेंट हो गया वी कॉस थीटा वी साइन थीटा ड्यू टू वी कॉस थीटा दिस चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस ड्यू टू वी साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर हो गया तो दिस फॉलो सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर मान गया देखो इसका ऐसा फॉर्मूला चल जाएगा इस टाइप से कुछ ऐसा कि सर्कुलर पाथ होगा सर्कुलर पाथ होगा ऐसे ठीक है ना कि चलेगा इसका सर्कुलर पाथ होगा ठीक है सर्कुलर पाथ ये मुंह पे चलेगा इस पास इसमें पाथ कैसा हो गया तो पाथ कैसा पाथ होगा इस टाइप ऐसा होगा ऐसा 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 पाथ कैसा पाथ हो गया जिससे ऐसा टाइप क्या बन गई है जैसे बन गई स्प्रिंग या बन गया स्पाइरल क्या बोलते हैं दिस पाथ इन्होंने स्पाइरल बोलते हैं क्या बोलते हैं जैसे इधर स्पाइरल पाथ या किसी बोलते हैं हेलिक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं हेलिक्स या बोलते हैं स्पाइरल बड़ी हेलिक्स बोलते हैं हिंदी बोलते हैं कुंडलिनी जैसे कुंडली सांप है ना कुंडली मार बैठ गया है हो गया क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हेलिक्स या क्या बोलेंगे या बोलते हैं स्पाइरल ठीक है तो ये हुआ कि क्या फॉलो कर रहा है ये फॉलो कर रहा है सर्कुलर एज वेल एज आगे बढ़ ही रहा है अगर मान ली केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता अगर केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता तो केवल एक पाथ पर केवल घूमता रहता आगे इसमें मूव नहीं करता है क्लियर हुआ समझ में आया तो इससे क्या हो गया इससे हमारा क्या हो जाएगा इसमें इससे जो है ए दिस फॉलो द स्पाइरल पाथ ओके तुम्हारा क्या है ये पाथ हो गया अब यहाँ जो माना इसको जो यहाँ दिखाया फिगर में उसे को एक्सप्लेन करने के दैट इज थ्योरी थ्योरी क्या बन गई हमारी लेट अ चार्ज पार्टिकल हैव चार्ज क्यू इज एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी वी एंड एंगल थीटा फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ठीक है ना ये वेलोसिटी वी है ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड की से थीटा एंगल पर एंटर करता है अब नाउ दिस वेलोसिटी वी है टू कंपोनेंट विद इसे बोलते हैं नेमली चाहे वो नेमली या क्या कहता है डब्ल्यू वी आई वाई नेमली हो गया कौन सा हो गया वी कॉस थीटा वी साइन थीटा इन विच वी का क्या डी टू वी कॉस थीटा दिस मूव अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डी टू वी साइन थीटा एक्चुअली परपेंडिकुलर आप जानते हो कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड देन ऑलवेज इट फॉलोज सर्कुलर पाथ क्लियर हुआ दैट्स व्हाई यहां क्या हो गया वी साइन थीटा से क्या मतलब क्या चले गए वी साइन डी टू वी साइन थीटा इट फॉलोज सर्कुलर पाथ ओके नोट डाउन ठीक है नहीं नोट कर पाए वीडियो पॉज करिए नोट करिए पहले ठीक क्लियर हुआ अब देखिए आगे अब क्या हुआ जानते हो व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिस फॉलो सर्कुलर पाथ और जैसे ही चार्ज क्या हो जैसे ही चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा एट द सेम टाइम क्या होता है एक लगेगा मैग्नेटिक फोर्स और ड्यू टू सर्कुलर पाथ इट फॉलोज या इट बैलेंस बाई सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या लगेगा इसमें क्या लगेगा हमारा जो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स दैट्स व्हाई वी कैन से या क्या हो गया देयरफॉर एट द पोजीशन ऑफ एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा क्या सेंट्रीपिटल मतलब क्या मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एम मैग्नेटिक फोर्स ठीक है एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर होगा व्हाट इज एफ एम ये हो गया क्यू वी वी कितना है यहाँ वी कितना भाई वी हमारा वी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर था वी इंटू वी मैग्नेटिक फील्ड एंगल कितना है क्यू वी वी साइन थीटा आ गया ठीक क्यू वी वी हो गया ना इक्वल टू कितना है भाई आ गया और लगता है अगर एंगल थीटा जाता है मैं इसे पहले कितना पढ़ सकता हूँ उसपे क्यू वी वी साइन थीटा हो गया ना इक्वल टू क्या हो गया यहाँ एम वी स्क्वायर वी कितना मारा है वी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कितना हो गया आर दिस स्क्वायर में भी क्या कैंसिल आउट स्क्वायर में भी क्या हो गया कैंसिल आउट क्या हो गया इससे अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया यहाँ पे दिस मीन्स क्यू बी इक्वल टू एम बी साइन थीटा बाई कितना हो गया आर
देखो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा एम बी साइन थीटा अपान कितना हो गया अपान हो गया टू बी। दिस इज द रेडियस ऑफ पाथ। क्लियर हुआ क्या हो गया रेडियस ऑफ पाथ सर ना गया ओके नोट करिए। सेकंड क्या निकालेंगे कि निकालेंगे टाइम पीरियड क्या निकालते हैं टाइम पीरियड कितना कितने टाइम में क्या करेगा वो कब कंप्लीट करेगा ऑन रेवोल्यूशन ओके बिठा रहे भाई ऊपर नोट कर लिया इसको ओके। चलिए नेक्स्ट क्या हो गया सेकंड हो जाएगा हमारा सेकंड हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स बड़ी टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑन रेवोल्यूशन अर्थात टी इक्वल टू हो जाएगा एक रेवोल्यूशन कितना भाई हो गया रेडियस मान लो कितना आर है निकाल चुके हो कितना हो गया टू पाई आर अपान कितना हो जाएगा वेलोसिटी बी या कितना भाई हो गया यहाँ भी कितना है घटित बी बी कितना है भाई यहाँ पे बी साइन थीटा है ठीक है ना टू पाई अपान हो गया बी साइन थीटा इंटू हो गया एम बी साइन थीटा भाई कितना हो गया भाई भाई हो गया क्यू बी ठीक है सुनो क्या देखो बी साइन का कैंसिल आउट ना कैंसिल आउट हो गया क्या बचेगा दिस मीन्स टी इक्वल टू हो गया टू पाई एम बाई क्या हो गया क्यू बी इसमें स्वार टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंड अपन वेलोसिटी सर ठीक है ना दैट्स व्हाई चाहे जिसे जाए चाहे जैसे जाए वेलोसिटी आपके यहाँ वेलोसिटी है ही नहीं दिस मीन टाइम पीरियड ऑलवेज कांस्टेंट या सेम रहेगा ओके। नेक्स्ट निकालो थर्ड क्या फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी न्यू ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है यू नो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होती है सिंस फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इक्वल टू वन अपान टी का डी रिकॉर्ड लीजिए कितना हो जाएगा वन अपान टू पाई एम अपान क्यू बी क्या हो गया देयरफॉर न्यू इक्वल टू हो गया क्यू बी अपान टू पाई एम कितना होगा क्यू बी अपान टू पाई एम जैसे वैल्यू हुआ क्यू बी क्लियर हुआ आगे हाँ तुम्हारा क्या हो गया ये हमारा हो गया फ्रिक्वेंसी हो गई न्यू इक्वल टू वन अपान टी तो कितना हो गया न्यू इक्वल टू क्यू बी अपान टू पाई एम। थर्ड क्या निकालेंगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे नेक्स्ट देखिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी नाउ फोर्थ हो गया हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी इसे बोलते हैं ओमेगा कितना ओमेगा होता है ये होता है टू पाई न्यू होता है हो गया टू पाई न्यू कितना हमारा है न्यू हो गया क्यू बी अपान टू पाई एम टू बाई कैंसिल हो गया यहाँ से कितना ओमेगा आएगा ये आएगा क्यू बी अपान एम आएगा ठीक है कितना आ गया ये हो गया क्यू बी अपान एम आएगा इसका क्या हो गया एम आर ई फ्रिक्वेंसी हो गई एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई सब निकाल लेंगे ठीक क्लियर हुआ। चलिए एक और आता है जिसे बोलते हैं पिच बोलते हैं नेक्स्ट क्या है एक और लास्ट पांचवा पॉइंट नया आ गया जिसे बोलेंगे पिच पिच बोले भाई जो पिच क्या होता है पिच सिंपल है पिच पिच हो गया जैसे हम लोग पढ़ेंगे सुबेज में पिच पिच में क्या हो गया एक रेवोल्यूशन में एक चक्कर में क्या हो गया हमारा ये चार्ज पार्टिकल कितना आगे बढ़ेगा जैसे पास हो गया स्पाइरल ना अगर स्पाइरल पास हो गया जैसे हमारी स्प्रिंग हो गई क्या है स्प्रिंग हर राउंड में क्या होती है थोड़ा थोड़ा क्या थोड़ा थोड़ा ऊपर उठती जाएगी ना तो इस क्लास क्या हो गया वन रेवोल्यूशन में ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ये कितना अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा उसे बोलते क्या उसे बोलते पिच बोलते हैं। हाउ डिफाइंड दिस कैन बी डिफाइंड है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप कह सकते हो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई क्या हो गया ट्रेवल्ड बाई चार्ज पार्टिकल ठीक है ना पार्टिकल अलोंग क्या हो गया अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना इन वन रेवोल्यूशन इन वन क्या हो गया रेवोल्यूशन इज क्या हो गया इज नोन एज इज नोन एज क्या भाई हो गया इज नोन एज पिच इसे क्या बोल देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा पिच हो जाएगा कैसे निकालेंगे फॉर्मूला क्या इसका हो जाएगा देयरफॉर फॉर्मूला क्या देयरफॉर द
therefore pitch equal to pitch p equal to, देखिए एक चक्कर क्या निकालना है इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गई ए बी हो गई पहला कंपोनेंट, पहला हमको क्या मैग्नेटिक फील्ड जो क्या हो गया बी कॉस थीटा इनटू क्या हो गया टाइम पीरियड टी, ये कितना हो गया ये हो गया बी कॉस थीटा इनटू हो गया 2 पाई एम अपॉन हो गया क्यू बी, देयरफॉर आपका पिच पी इक्वल टू हो गया 2 पाई एम बी कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया भाई अपॉन हो गया क्यू बी, हमारा क्या हो गया ए हमारा हो गया इसका डेरिवेशन फिर ठीक है। फिर चार्ज पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड विद एंगल थीटा, ए आपके पैरामीटर पूछे जाते हैं, चाहे आपके पैरामीटर पूछे जाए चाहे कोई फार्मूला या चाहे क्या कोई नंबरिकल दे दिया जाए, आई होप दिस थिंग क्लियर ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अब इसमें लिखते हैं नंबरिकल, एक आध नंबरिकल देखते हैं फिर बढ़ते हैं आगे इसके बाद चाहिए। चलिए भाई नंबरिकल नंबरिकल फर्स्ट क्या देखिए ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया अ प्रोटॉन एंड आयन अल्फा पार्टिकल्स आर एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी नंबर टू विद सेम लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम है भाई मोमेंटम नंबर तीन हो गया विद सेम काइनेटिक एनर्जी, देन कंपेयर द रेडियस ऑफ पाथ इन आते टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, जो पूछे टाइम पीरियड है फ्रीक्वेंसी है कोई कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है नंबर वन पहला लेंगे हम विद सेम वेलोसिटी, पहले देखिए पहले देखो अल्फा पार्ट प्रोटॉन सबका देखिए मास कितना चार्ज पहले उसको ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ मानेंगे क्लियर हुआ, सब पहले मान लेंगे, मानने के बाद फिर क्या है उसको आराम से कंपेयर कर लेंगे ठीक है ना। देखिए कैसे कंपेयर करेंगे क्या देखो भाई यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पहले क्या देखो मान लेंगे क्या मान लिया यहाँ पे लेट मास ऑफ प्रोटॉन एम पी कितना है एम हो गया, मास ऑफ अल्फा पार्ट कितना हो गया एम अल्फा इक्वल टू क्या होता है चार गुना होता है प्रोटॉन के मास का, फिर अब क्या हो गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्यू पी पर कितना मान लो कितना हो गया क्यू हो गया अल्फा पार कितना होता है टू क्यू हो जाएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी मान लिया सेम वेलोसिटी है बी मान लिया सेम टू बी अल्फा बी पी इक्वल टू बी, आर पी फॉर्मूला क्या है एम बी अपॉन क्यू बी होता है एम पी बी पी अपॉन क्यू बी कर दोगे, आर अल्फा निकालो एम अल्फा बी अल्फा अपॉन क्यू अल्फा बी कर दिया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया तो डिवाइड कर दिया अगर फ्रैक्शन का डिवाइड है ना ये पलट जाएगा पलट दिया ठीक है, फिर क्या किया यहाँ पे फिर यहाँ पर दोनों को फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर दो एम पी कितना एम है बी पी क्या देखो यहाँ से बी है क्यू पी क्यू है बी हमारा वही है यहाँ क्यू अल्फा दो गुना है ना दो गुना है यहाँ कितना होगा फोर टाइम्स हो गया सारी वैल्यू पुट कर दिया इससे वैल्यू हमारी क्या आ गई इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी ए आपकी वैल्यू यहाँ पर क्लियर हो गई कितना आर पी अपन आर अल्फा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1:2 आ गया वेन सेम बोथ आर एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी, सेकंड क्या है व्हेन बोथ आर एंटर विद सेम लीनियर मोमेंटम, चलो फर्स्ट क्लियर हुआ फर्स्ट समझ में आया मिटाए इसको सेकंड सेकंड निकालते हैं यहाँ तो सेकंड फिर सारी चीज मानी भाई सेम रहेगा सेकंड में क्या मानना है अगर दोनों कैसे करते हैं विद सेम मोमेंटम, चलो भाई मोमेंटम देखिए ठीक है ना मोमेंटम लिख के मान के फिर सेम क्या हो गया ये तो इतना सेम मानेंगे ना आपकी मोमेंटम बराबर है क्या मान लिया देखो सेम चीज पहले मान लेंगे सेम सेकंड के साथ गया मास ऑफ प्रोटॉन सेम एम है अल्फा पार्टिकल 4m है चार्ज क्यू है चार्ज यहाँ क्यू क्यू अल्फा का हो गया मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई आपकी क्या प्रोटॉन इक्वल सॉरी प्रोटॉन दोनों का मोमेंटम सेम है इसलिए पी प्रोटॉन पी अल्फा इक्वल टू पी मान लिया फॉर्मूला क्या था आर एम डी अपॉन क्यू बी यहाँ एम का सम क्या हो जाएगा पी अपॉन क्यू बी आ गया आर पी निकाल दिया सेम आर अल्फा निकाल दिया दोनों फिर डिवाइड कर दीजिए फिर क्या हो गया पलट जाएगा ना नीचे वाला पलट जाएगा पी क्या पी बी अपॉन क्यू पी बी इंटू क्यू अल्फा बी अपॉन पी अल्फा नाउ इसकी वैल्यू पी है यहाँ क्यू है यहाँ बी है यहाँ क्या टू पी चार्ज होता है यहाँ बी कट जाएगा ए पी है ना पी पी कट जाएगा क्यू पी कट जाएगा बी भी कट गया क्या आया यहाँ टू बाई वन वन क्या हो गया आर पी अपॉन आर अल्फा इक्वल टू 2:1 दिस मीन्स व्हेन बोथ चार्ज पार्टिकल आर प्रोटॉन एंड क्या हो गया व्हेन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एंटर इन द फील्ड विद सेम मोमेंटम देन रेशियो कितना हो गया 2:1। अब आएंगे थर्ड पे थर्ड क्या है अगर दोनों क्या सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करे तो क्या होगा तो ये क्या हो जाएगा थर्ड के द्वारा क्या हो गया कि बोथ चार्ज पार्टिकल आर एंटर विद सेम काइनेटिक एनर्जी बाकी सब कुछ सेम मानेंगे थर्ड केस अगेन मास ऑफ प्रोटॉन एम पी से एम आ गया अल्फा का 4m होता है ना चार्ज क्यू एंड टू क्यू
फील्ड सेम है एंड अभी क्या केपी इक्वल टू के अल्फा इक्वल टू कितना हो गया के हो गया। फॉर्मूला क्या होता है आर इक्वल टू अंडर रूट टू के एम बाई क्यू भी पीछे रिपोर्ट फॉर्मूला याद है ठीक है। अब देखो जी हमने बताया पिछले से हम ये सारे ये रूल पिछले बार लगा सकते हैं सब तो थोड़ा उससे आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा हम देखो यहाँ ए कांस्टेंट है बी कांस्टेंट टू का जो कांस्टेंट है डालो यहाँ प्रोपोर्शनल सारे कांस्ट हटा दीजिए क्या दिखा दिया ये रूल यहाँ एम बचेगा अपॉन क्यू बचेगा। अगर लिख दो सिंस ए एंड बी आर कांस्टेंट है जो पकड़ सकते हो ना थोड़ा तो लंबा नहीं लिखना पड़ेगा ये फायदा हो जाएगा हमारा। हाँ क्या हो गया आर पी अपॉन अल्फा आएगा वैल्यू पुट करो यहाँ पे एम पी अपॉन क्यू पी एन अल्फा अपॉन क्यू अल्फा पलट जाएगा भाई पलटा ठीक है। यहाँ क्या हो गया एम पी अल्फा सेम हो गया कर दिया ना वैल्यू पुट कर दो एम बाई फोर एम टू क्यू बाई क्यू यहाँ से एम कटेगा यहाँ क्यू कटेगा कितना आया यहाँ कैसे कितना आया वन बाई फोर का रूट कितना वन बाई टू इंटू टू बाई एम तो दिस मीन्स आर पी रेशियो आर अल्फा कितना हो गया रेशियो वन वैन बोथ आर एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद क्या हो गया विद सेम काइनेटिक एनर्जी क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार से चाहे आपका टाइम पीरियड रेशियो आ जाए चाहे आपका फ्रिक्वेंसी का आ जाए चाहे एंगुलर फ्रिक्वेंसी का आ जाए चाहे आपका रेडियस का आ जाए चाहे जो चार पार्टिकल है जो वंश क्या हो गया कोई आयन दे देगा ड्यूट्रॉन दे देगा ड्यूट्रॉन का क्लियर है ना ड्यूट्रॉन क्या होता है ड्यूट्रॉन होता है वन ना चाहे वन एच टू बोलते हैं या वन डी टू बोल दीजिए तो देखो मास कितना हो जाएगा मास उसका प्रोटॉन का दुगना हो गया चार्ज क्या आएगा चार्ज प्रोटॉन के बराबर ही होता है ठीक है ना क्लियर हुआ। ट्राइटियम दे दिया वन एच थ्री होगा ना मास कितना हो गया प्रोटॉन के मास का तीन गुना चार्ज कितना हो गया प्रोटॉन के बराबर ही रहेगा। सिद्धांत जी पहले डिसाइड करिए जो आपको आयन दिया गया जो चार्ज पार्टिकल दिया गया व्हाट इज द मास व्हाट इज द चार्ज डिसाइड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी क्योंकि उसी फील्ड में दोनों एंटर करेंगे ठीक है ना तो भी हमेशा सेम रहेगा। अब वहां देखना है तीन मैक्सिमम तीन क्या है या तो वेलोसिटी सेम करते हैं या तो लेंगे मोमेंटम सेम करेंगे या तो क्या काइनेटिक फील्ड सेम करेंगे या दे दिया बोथ आर एक्सेलरेटेड विद सेम पोटेंशियल क्या बोल दिया कि अल्फा पार्टिकल एंड मान लिया सोच दिया अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड विद सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन फाइंड रेडियस ऑफ क्या है सर्कुलर पाथ। अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो हमेशा रेडियस आएगा पक्का 100% थीटा जाएगा बाकी सेकंड बताई चुका हमने बताई दी आपको ना उसमें क्या होता है अगर पोटेंशियल हो गया तो इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे क्यू भी आता ना क्यू भी आता है फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया आर टू कितना हो गया क्योंकि अंडर टू है यहाँ क्यू वोल्टेज आ जाएगा इंटू एम अपान क्या आ जाएगा तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा एक क्यू क्लियर पर यहाँ सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ओके ठीक ओके भाई चलिए।